हेलो बच्चों, कैसे हो? 12वीं कक्षा में हिंदी आरोह भाग 2 काव्य भाग में 8वां पाठ है अपना गोस्वामी तुलसीदास की कविता जो चली हुई है। इसके दो प्रसंग थे, एक कवितावली से कुछ कवित्व और सवैये थे, दो कवित थे एक सवैया। और अब जो है हम करेंगे रामचरितमानस के कुछ प्रसंग। ये जो प्रसंग है इसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इतना कहने से ही आप समझ गए होंगे कि रामायण काल में जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ की बरछी से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी हिमालय की ओर जाते हैं। रात रात में उस संजीवनी को लाना था और लक्ष्मण को पिलाना था। ये बहुत बड़ी शर्त थी, हजारों किलोमीटर दूर हिमालय में, लंका से हिमालय में जाना और वहाँ से संजीवनी ढूंढ कर लाना, ये असंभव जैसा कार्य था। और इसी तरह से श्री राम एक साधारण मानव की तरह विलाप करते हैं। हालांकि तुलसीदास जी ने कहा कि वो मानव लीला कर रहे हैं, नर लीला, लोगों को शिक्षा देते हैं कि भाई का भाई के प्रति कैसा प्रेम होता है, होना चाहिए। फिर भी इसके अंदर तुलसीदास ने दोहे, सवैये और सोरठा, इन छंदों का प्रयोग किया है। तो पहले दो दोहे हैं, उसके बाद कुछ चौपाइयाँ आएंगी और सोरठा भी आएगा। तो देखते हैं पहले दोहे में क्या लिखा है। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो पिछला तुलसीदास का जो पिछला पार्ट था, पिछली जो कविता का भाग था, वो कवितावली से था जिसमें कवित्व और सवैये हमने करे थे। और ये जो दोहे और सोरठे हैं और चौपाइयाँ हैं, ये जो है वो रामचरितमानस से लिए गए हैं। रामचरितमानस की भाषा है अवधि, अवधि हिंदी का ही रूप है, अवधि हिंदी कह देते हैं। और वो थी कवितावली की भाषा ब्रज हिंदी, तो ये अवधि से हैं। तो रामचरितमानस के ये प्रसंग हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहं नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेउ हनुमंत। प्रसंग उस समय का है ये, जब हनुमान जी संजीवनी लेकर हिमालय से पुनः लंका की ओर जा रहे थे। रास्ते में अवध के ऊपर से जब वो गुजरते हैं तो भरत ने उनको अपने बाण से राक्षस समझ करके गिरा दिया। सारा प्रसंग मालूम हुआ तो भरत को पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने बिना फलक के बाण से तुरंत लंका पहुंचाता हूं। ऐसे में धन्यवाद प्रकट करते हुए हनुमान ने कहा कि नहीं, श्री राम के प्रताप को हृदय में लेकर और आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद पाकर मैं तुरंत चला जाता हूं। बाण की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बाण द्वारा पहुँचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हे प्रभु, हे स्वामी, हनुमान कहते हैं भरत से, हे स्वामी, आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत हे नाथ मैं चला जाऊंगा। अस कही, ऐसा कहकर, आयसु पाई, आज्ञा पाकर, आदेश पाकर, पद बंदी, चरण वंदना करके, पद वंदना करके चले वो हनुमंत। हनुमान जी चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण, भरत का बाहुबल शील और गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, और उनकी प्रभु के चरणों में अपार प्रीति को, यानी भरत का बाहुबल उन्होंने देखा, इसके अतिरिक्त उनका शील स्वभाव आचरण देखा, उनके गुण देखे और प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी अपार प्रीति देखी, अपार प्रेम देखा। मन मोहु जात सराहत, और इस बात को मन मन में सराहते हुए जा रहे हैं, पुनि पुनि बार बार सराहते हुए जा रहे हैं। कौन? पवन कुमार अर्थात हनुमान जी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हनुमान जी कहते हैं, हे स्वामी, मैं आपका प्रताप हृदय में रख करके तुरंत चला जाता हूँ। ऐसा कहकर, चरण वंदना करके, आज्ञा पाकर हनुमान जी तुरंत चल पड़े। और रास्ते में वो भरत का बाहुबल, उनका शील स्वभाव, उनके गुण और श्री राम के चरणों में उनके प्रेम का बार बार वर्णन करते हुए जा रहे हैं। काव्य सुंदरी में भाव लिखोगे तो आपने लिखना है कि यहाँ बताया गया है कि हनुमान जी भरत जी के शील आचरण स्वभाव आदि से और श्री राम के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम से बहुत गदगद हो गए।
तो ये इसका भाव है। शिल्प में आप लिखोगे तो अवधि भाषा है, अवधि के अतिरिक्त जो है इसके अंदर आप देख सकते हो प्रसाद गुण, अभिधा शब्द शक्ति, स्वर मैत्री अलंकार और अनुप्रास अलंकार, वैवाह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पुनि पुनि पवन कुमार पै पै की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये चीज़ें आपने लिखनी हैं। ये दो दोहे हैं। इसके बाद चौपाई कराते हैं।